ये आप लोहगढ़ मार्केट का दृश्य देख सकते हैं। ये फ्लाईओवर के पास वाली मार्केट है, यहाँ बहुत सारे दुकानदार लोग एकत्रित हैं और इनके साथ यहाँ के स्थानीय नेता आप जिलाध्यक्ष रंजीत उपल भी खड़े हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। जी जी, आप बताएंगे आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं? भाई साहब, 4 दिन हो गए, बड़ा बुरा हाल है लाइट का जी, दुकानदारों का गर्मी में बहुत बुरा हाल है जी, क्योंकि बिजली की वजह से पानी की समस्या है जी, टैंकियों में पानी खत्म है, लैटरिंग बाथरूम का भी बड़ा औखा हो रखा है। आपको याद होगा पिछले साल जी बरसात में खंभे उखड़ गए थे, उस टाइम भी इन्होंने 5-7-10 दिन पड़े, इनके ज्यादा तंग किया लोगों को जी। फिर हम यहाँ से लोग गए थे बिजली दफ्तर, एक्शन साहब से ही मिले थे, एसडीओ साहब से ही मिले थे, उल्टा उन्होंने समस्या हल तो क्या करनी थी, इस तानाशाही सरकार ने जी। वहां जो लोग अपनी आवाज लेके अपनी फरियाद लेके गए थे उन्हीं के ऊपर पर्चे कर दिए थे जी। अब दोबारा हम फिर कहना चाहते हैं बिजली महकमे के आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं जी, लोगों को परेशान मत करो, आपकी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है, ये मूलभूत सुविधा है, इसको बिजली को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। जिला अध्यक्ष जी, आपके क्या कहना है? मैं तो ये पूरी मार्केट के जितने भी स्थानीय लोग हैं सारे खड़े हैं, आप देख रहे हो, बड़े दुख की बात है कि 4 दिन हो गए लाइट को और कल के बाद तो लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। छोटे छोटे बच्चे हैं जो परेशान है, दुकानदार है, कारोबार बंद हो गया, ठीक है, जब बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, लोग गलियों में और घरों में त्रास त्रास कर रहे हैं, दुकानदारों का कारोबार बंद है, किसी की वेल्डिंग की दुकान है, किसी की बिजली की दुकान है, सभी का कारोबार बंद है, सरकार और प्रशासन दोनों ही इसके ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा देता। अगर हम किसी को फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता, मैं जय साहब का नंबर लाऊंगा, ये देखना जय साहब का स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ से जय कौन है जी? सुदेश है जी, बिजली बोर्ड के जय साहब को नंबर लगा रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है, एसडीओ साहब को फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठाते, लोग परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन सरकार और प्रशासन को एक तरी पर भी मासा जिन्ना भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत दुख की बात है, जो लोगों से टैक्स लेते हैं, लोगों को इतने बड़े बड़े बिल भेज देते हैं और वो बिल पता नहीं, बिजली 4 दिन हो गए आई नहीं, बिजली का बिल 10,000, 15,000, 20,000 वो पता नहीं कैसे आ जाता है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि ये दुकानदार और लोग बहुत परेशान है, इमीडिएटली लाइट का प्रबंध किया जाए। कहाँ रहते हैं? वासुदेवपुरा में लाइट आ रही है? वासुदेवपुरा में 2 दिन से लाइट नहीं है, परेशान हो रहे हैं हम। तो आपने किसी को कम्प्लेंट की? नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं अभी जी साहब को कम्प्लेंट की थी जी। आप बताइए, आप यहाँ पर दुकान करती हैं? लाइट नहीं आ रही है, कल से परेशान है। तो सारे दुकानदार रुकी, ठंडे वगैरह कुछ नहीं बिखरा, मतलब कोई लाइट नहीं, उसके बिना काम क्या चलना दुकानों पे, है ही नहीं काम। अच्छा, दुकान का काम भी ठप हो रहा है पूरी तरह से, बिल्कुल है। इन्वर्टर काम करना बंद कर गए हैं? हाँ, बहुत रात को ही हो गए, घंटे दो घंटे चले। फ्रीजर काम नहीं आपके कर रहे हैं? नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान, सब खराब है जी।